हेलो एवरीवन, मैं आज आप लोग के सामने आरआरबी एनटीपीसी का सिलेबस थोड़ा सा डिस्कस करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखिए, आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें दो पैटर्न में एग्ज़ाम होगा। पहले सीबीटी 1 होगा, फिर सीबीटी 2 होगा, फिर टाइपिंग टेस्ट होगा और कुछ लोगों का साइको टेस्ट होगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल टेस्ट होगा। ठीक है, तो सीबीटी क्या होता है? ये कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम को बोलते हैं सीबीटी। ठीक है, देखिए यहाँ पे स्टेज मैंने सबसे पहले लिख दिया है। स्टेज 1 में प्रीलिट एग्ज़ाम होगा, प्रीलिम्स होगा। उसके बाद स्टेज 2 में मेंस एग्ज़ाम होगा, स्टेज 3 में टाइपिंग टेस्ट होगा और स्टेज 4 में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा उसके बाद एक मेडिकल टेस्ट भी होता है, लेकिन वो कुछ कुछ टीम के लिए होता है, सभी के लिए नहीं होता। तो सबसे पहले हम लोग कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पहला स्टेज 1 जो है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये जो है इसमें 100 क्वेश्चन आएगा, 120 मिनट्स का ये एग्ज़ाम होगा, 40 मार्क्स का आपका जनरल अवेयरनेस होगा, 30 मार्क्स आपका मैथ्स होगा और 30 मार्क्स आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। सिंपल सा बोले तो ये रीजनिंग है। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल डिस्कस करते हैं। देखिए, ये जो एग्ज़ाम है 100 क्वेश्चन है, 120 मिनट्स है और इसमें निगेटिव मार्किंग भी है, 1/3 निगेटिव मार्किंग है इसमें। ठीक है, मैथ्स के सिलेबस में क्या है तो आप यहाँ देख सकते हैं। मैथ्स में है नंबर सिस्टम है, डेसिमल है, फ्रैक्शन है, एलसीएम है, एससीएफ है, रेशियो है, प्रोपोर्शन रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, एलिमेंट्री एलजेब्रा, ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक। इतना टफ सिलेबस नहीं है, आप देख सकते हो सिंपल सिलेबस है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये बेसिक है। 6 to 10 तक आपने अगर अच्छे से मैथमेटिक्स किया है तो फिर ये आपके लिए बिल्कुल टफ नहीं रहेगा। अब आइए जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के बारे में बात करते हैं। तो इसमें क्या है, एनालॉजी है, कंपेशन ऑफ नंबर है, अल्फ़ाबेटिक सीरीज है, कोडिंग डिकोडिंग है, मैथमेटिकल ऑपरेशन है, सिमिलरिटीज़ है एंड डिफरेंस, रिलेशनशिप, एनालिटिकल रीजनिंग, सिलोलॉजिज्म, जंबलिंग, वेन डायग्राम, पजल, डेटा डिफिशियंसी, स्टेटमेंट एंड कॉन्क्लूजन, स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन, डिसीजन मेकिंग, मैप इंटीग्रेशन ऑफ ग्राफ, सॉरी इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफ। देखिए, इस रीजनिंग वाले सिलेबस में आप ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा जो मैथ्स का रीजनिंग का जो बैकबोन कहते हैं, जिसको क्लॉक और एक और है टॉपिक जो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, जिसे इस रीजनिंग का बैकबोन कहते हैं, वो एलिमिनेटेड है। हाँ, डेट से रिलेटेड एक आता है क्वेश्चन जिसमें आपको डेट दे दिया रहता है और निकालना रहता है कि ये इस डेट के दिन कौन सा डे था, वो यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। वो अच्छी बात है, वो थोड़ा टफ भी हो जाता है, उसमें कोड बहुत कुछ याद करना पड़ता है। नेक्स्ट है जनरल अवेयरनेस। ये जनरल अवेयरनेस पूरे 40 मार्क्स के हैं। तो इसमें क्या है, करेंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पॉर्टेंस, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया, इंडियन लिटरेचर, मोन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस ऑफ इंडिया, जनरल साइंस एंड लाइफ साइंस, अप टू 10th CBSE। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, मतलब हिस्ट्री आएगा, फिजिक्स भी है उसका, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, मतलब पूरा हिस्ट्री आएगा मान के चलिए तो। और इसने यहाँ ये भी है, वर्ल्ड से रिलेटेड भी आएगा। उसके बाद है यहाँ पे इंडियन पॉलिटी, मतलब आप मान के चलो तो पूरा पॉलिटी इसमें आने वाला है। फिर आपका है जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, वही न्यूक्लियर में प्रोग्राम में है, न्यूक्लियर प्रोग्राम से रिलेटेड, इंडियन स्पेस और वर्ल्ड के स्पेस उससे रिलेटेड है। इन्वायरमेंट इश्यूज़ पर भी क्वेश्चन आएंगे। और आपके कॉमन एब्रिविएशन, ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ इंडिया, इंडियन इकोनॉमी, फेमस पर्सनालिटी ऑफ इंडिया वर्ल्ड, फ्लैगशिप। मान के चलो ये जनरल अवेयरनेस का 40 क्वेश्चन जो आएगा वो ओवरऑल बहुत सारे सब्जेक्ट्स से आएगा। अगर आप 6 to 10th बेसिक पूरे सब्जेक्ट्स पढ़े हैं अच्छे से तो फिर उतना ये टफ नहीं जाने वाला है। देखिए, जब आप CBT 1 पास कर जाएंगे तो
आप CBT 2 में बैठेंगे, लेकिन CBT 1 के जो मार्क्स हैं वो ऐड नहीं होगा, ठीक है। आप ये बात ध्यान में रखिए, प्री एग्ज़ाम सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, मतलब आपको इस बात के लिए क्वालिफाई करना है कि आपको CBT 2 में बैठना है, पर उस प्री का कोई मार्क्स ऐड नहीं होगा। जो मार्क्स ऐड होना है वो CBT 2 का होगा, ठीक है। इसका सिलेबस भी सेम है एज़ यूज़ुअल, पर यहाँ पे मार्क्स थोड़ा सा बढ़ा है। जैसे कि जनरल अवेयरनेस वहाँ 40 मार्क्स का था तो यहाँ 50 मार्क्स का है, आप देख सकते हो। मैथ्स वहाँ 30 था तो यहाँ 35 है। रीजनिंग वहाँ 30 था तो यहाँ 35 है, तो टोटल 120 मार्क्स। और यहाँ पे आपको 120 मिनट्स मिलेगा, मतलब वहाँ पे था कि 100 क्वेश्चन थे 120 मिनट्स, लेकिन यहाँ पे 120 क्वेश्चन और 120 मिनट्स, मतलब जितना मिनट्स उतना क्वेश्चन। सेम पैटर्न, 1/3 निगेटिव मार्किंग होगा। मैथ्स रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस जो ऊपर सिलेबस था वही सेम है, आप यहाँ देख सकते हैं अच्छे से। कोई दिक्कत हो तो आप में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जब आप CBT 2 क्लियर कर लेंगे तब आपका टाइपिंग टेस्ट होगा और कुछ लोगों का साइको टेस्ट होगा। किसका टाइपिंग होगा किसका साइको होगा वो मैं नेक्स्ट बताऊंगी। जब आप साइको और CBT दोनों मतलब जो भी जिसका रहेगा साइको रहेगा या CBT रहेगा, सॉरी टाइपिंग स्किल रहेगा, जो दोनों क्लियर कर लेगा उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो मार्क्स ऐड होगा वो आपके CBT 2 का होगा। आप यहाँ पे लिखा है, आप देख सकते हो कि आपका जो CBT 2 के जो मार्क्स होंगे वो 50% होंगे और जो आपके इंटरव्यू सॉरी जो टाइपिंग टेस्ट का जो मार्क्स होगा वो 50% ऐड होगा। दोनों को ऐड करने के बाद जो मेरिट लिस्ट बनेगा उसके हिसाब से आपकी रैंकिंग निकलेगी, उसके बाद आपको पोस्टिंग दी जाएगी। हाँ, पोस्टिंग से पहले आपका मेडिकल टेस्ट भी है, लेकिन मेडिकल टेस्ट कुछ कुछ डिपार्टमेंट में है, सब में नहीं है। यहाँ आप अच्छे से देख सकते हैं कि मैंने आपको बताया है कहाँ कहाँ पे। देखिए, फर्स्ट जो CBT है वो कॉमन है, मतलब आप पूरे जितने पोस्ट हैं सभी पोस्ट के लिए CBT कॉमन रहेगा। जब आप CBT पास कर जाएंगे तो आप CBT 2 में जाएंगे, लेकिन CBT 2 का मार्क्स ऐड नहीं होगा, ठीक है। CBT 1 का मार्क्स ऐड नहीं होगा। CBT 2 में जो आप परफॉर्मेंस करेंगे उसके मार्क्स ऐड होगा। उसके बाद ये 1 से 3 तक, सीरियल नंबर 1 से 3 तक, इन सब का टाइपिंग टेस्ट होगा, ठीक है। और सीरियल नंबर 6, इसमें आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, वही साइको टेस्ट होगा एक बार फिर से। उसके बाद गुड्स गार्ड्स में भी कोई टेस्ट नहीं है, कोई टाइपिंग टेस्ट नहीं है और ना ही CBT होगा। उसके बाद यहाँ पे 9 to 11 पोस्ट में आपका टाइपिंग टेस्ट है और स्टेशन मास्टर में आपका साइको टेस्ट होगा, ठीक है। अब आपको, मेरे को लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा सिलेबस है क्या। बहुत जल्दी हम लोग सिलेबस को बारीकी से पढ़ना शुरू करेंगे। मैं कोशिश करूँगी कि मैं पूरा सिलेबस ख़त्म करूँ। एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी कि ऑलरेडी रेलवे ने 2 बार एग्ज़ाम ले लिया है, एक बार ग्रुप डी का लिया है, एक बार ALP का लिया और टेक्नीशियन। तो इसमें वो कैंडिडेट बैठेंगे जो ऑलरेडी एग्ज़ाम दे चुके हैं, जो पैटर्न समझ चुके हैं, उनको पता है कि कहाँ से क्वेश्चन आने वाला है। तो आपको उनसे बहुत ज़्यादा मार्क्स लाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा अगर आप पहले एग्ज़ाम नहीं दिलाए हैं तो। अगर आप दिलाए हैं तो आपको तो मैक्सिमम पता होगा क्या पैटर्न है, कैसे करना है। सेकेंड थिंग, आपको पूरे मार्क्स लाने के लिए जैसे कि CBT 1 में क्वालिफाई करना ज़रूरी है, तो क्वालिफाई करने के लिए आपको मिनिमम्स 50 मार्क्स लाना ज़रूरी है, 50। अगर आप 50 मार्क्स मिनिमम लाते हैं तो फिर आप क्वालिफाई हैं, आप CBT 2 में बैठ सकते हैं। अगर आप 50 से कम लाते हैं तो फिर आप मान के चलिए कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ये रेलवे है। हालांकि रेलवे में भी घोटाले का बहुत सारा न्यूज़ आ रहा है, लेकिन फिर भी जो फालतू की बातें हैं उसको साइड रखते हुए अपनी पढ़ाई को करना है। इसी के साथ मैं बात को आगे बढ़ाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में और शुरू करूंगी आप लोग के टॉपिक से। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।